नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। झुंझुनू में 24 अप्रैल को जिला भाजपा कार्यालय माननगर में संचालित भाजपा रसोई में शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने अपना जन्म दिवस सादगी से मनाया। लॉकडाउन के तहत नियमों का पालन करते हुए बिना किसी औपचारिकता के महज 4 लोगों के साथ मनाया 44वां जन्म दिवस। भाजपा जिला अध्यक्ष मावंडिया ने जन्म दिवस के अवसर पर नगर अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता कमलकांत के साथ जरूरतमंद लोगों के लिए 50 राशन की सामग्री किट तैयार करवा कर वितरित किए। वहीं जिला भाजपा उपाध्यक्ष अरुणा सिहाग और सीताराम शर्मा बुद्ध का वास द्वारा तैयार किए गए मास्क झुंझुनू शहर के गांधी उद्यान में सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद झुंझुनू के सफाई निरीक्षक बाबूलाल चंदेल और अली हसन की मौजूदगी में मास्क के साथ साबुन सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अहम भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों को सैल्यूट किया। भाजपा रसोई संयोजक महेंद्र सोनी ने बताया कि प्रतिदिन की भांति भाजपा रसोई में जरूरतमंद लोगों के लिए 1000 भोजन पैकेट बनाकर भाजपा नगर अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में शहर के मोड़ा पहाड़ क्षेत्र में गुजर बसर करने वाले मोहल्ला नायकान नट बस्ती मेघवालों की ढाणी कसाईयों की ढाणी चौबारी मंडी पुराना बस स्टैंड पीपली चौक आदि क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं चंद्रकांत बंका जगदीश गोस्वामी संजय शर्मा संदीप सोनी प्रमोद टीबड़ा द्वारा भोजन पैकेट जरूरतमंद लोगों के घरों तक पहुंचाए गए हैं। पिछले 1.5 महीने से पूरा विश्व एक घोर संकट से गुजर रहा है। इस वैश्विक कोरोना रूपी महामारी के बीच में आज माननीय जिलाध्यक्ष ऊर्जावान कर्मठ श्री पवन जी मावंडिया का जन्म दिवस माननगर कार्यालय के अंदर बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से जरूरतमंद लोगों को रसद सामग्री किट वितरण करके मनाया गया। माननीय जिलाध्यक्ष सदैव कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति समर्पित एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं और उनके मार्गदर्शन में पिछले 1 महीने से भाजपा कार्यालय के अंदर एक रसोई का आयोजन अनवरत चल रहा है। आज उन्हीं के कर कमलों द्वारा 50 रसद सामग्री के किट तैयार करके और जरूरतमंद लोगों के बीच में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर वितरित किए गए।